नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। ट्रेन टिकट कैसे बुक करें? अब आपने टिकट घर बैठे खुद बुक कर सकते हो। कन्फर्म टिकट मैंने ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरे देखते जाइए, तभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाना है। आपको यहाँ पर सर्च करना है कन्फर्म टिकट। इतना टाइप करने के बाद आपके पास ये वाले लिंक दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है IRCTC ट्रेन बुकिंग कॉन्फर्म टिकट। कॉन्फर्म टिकट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करना है, इस पर इंस्टॉल में क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लोकल लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके में क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अलाउ में क्लिक कर देना है। आपके पास OTP आएगा, OTP ये वेरीफाई हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ तक आप जाने चाहते हो, फ्रॉम में आपको यहाँ पे डाल देना है जहाँ से आप ट्रैवल करने चाहते हो। मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल देता हूँ। उसके बाद आपको टू में डालना है जहाँ तक आप ट्रैवल करने चाहते हो। मैं यहाँ पे हिजली डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट, कौन सा डेट को आप ट्रैवल करने चाहते हो। मैं यहाँ पे डेट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च में क्लिक कर देना है। सर्च में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जितना भी उस रोड पे ट्रेन है आपको सारे यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोटा, कोटा में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल में रख सकते हो, तत्काल टिकट भी आप यहां से निकाल सकते हो, लेडीज़ टिकट आप यहां से निकाल सकते हो, सीनियर सिटीजन के टिकट आप यहां से बुक कर सकते हो। मैं यहां पे जनरल में रहने देता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ट्रेन में आप ट्रैवल करने चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर AC में ट्रैवल करने चाहते हो आपको क्या करना है, AC में क्लिक करना है। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करने चाहते हो आपको क्या करना है, स्लीपर में क्लिक कर देना है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर अवेलेबल होगा तो अवेलेबल ऐसे दिखाई देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा RAC होगा तो RAC दिखाई देगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है RAC, ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट होगा तो यहाँ पे वेटिंग दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको डेट देख लेना है कौन सा डेट को आपको ट्रैवल करना है। ये छोटे छोटे चीज़ आपको ध्यान रखना ही है। डेट और यहाँ पे सीट चेक करने के बाद आपको क्या करना है, बुक पे क्लिक करना है। बुक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, IRCTC के यूजर आईडी आपको डालना है। अगर आपके पास IRCTC के यूजर आईडी नहीं है तो इस वाले वीडियो जैसे खत्म होगा उस वाले वीडियो को देख के आप पता कर सकते हो IRCTC के यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ IRCTC के आईडी। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आईडी डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद पहले क्या करना है, मेल फीमेल आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नाम डाल देना है। मैं नाम डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एज डाल देना है। एज डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेव दिखाई दे रहा है, सेव में क्लिक करना है। अगर आपके फैमिली में और भी कोई यहाँ पे जाने चाहता है आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको पहले क्या करना है, मेल फीमेल आपको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल देना है, नाम आपको यही डालना है, आपके आईडी प्रूफ में वही सेम नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने एज डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके साथ अगर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे का भी यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ सारे कुछ आपको डाल देना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद मेल फीमेल आपको डाल देना है।
जो भी बच्चा आपके साथ जा रहा है उसका यहाँ पर फुल नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे फुल नाम डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे उसका एज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। अगर और भी कोई बच्चा है उसका भी यहाँ पे ऐड पे जाके आपको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको दूसरे बार यहाँ पे सारे कुछ चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी गलती लग रहा है, यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ से हटा के आपको दूसरे बार सेव कर लेना है, कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपके आपने पिन नंबर डाल देना है। पूरे एड्रेस के साथ आपको यहाँ पे नीचे फिल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अगर आपको टिकट कैंसिल नहीं करना है, आपको क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। अगर आपको बाद में टिकट कैंसिल करना है, कन्फर्म नहीं है, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे पे में क्लिक कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो चार्जेस लगेगा 81 रुपया लगेगा, बाद में ये 200-250 लग सकता है। अगर आप 50-50 हो, जा भी सकते हो, ना भी जा सकते हो, आपको क्या करना है, पे में क्लिक कर देना है। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है, कन्फर्म हो आपको ट्रैवल करना ही है, तो आपको नो पे रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इंश्योरेंस लेने चाहते हो, 49 पैसे की है, ज़्यादा नहीं है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कन्फर्म कर लेना है 1260 रुपये। उसके बाद क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपने डिटेल्स एक बार आपको चेक कर लेना है, लास्ट बार आपको एक बार चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको पेमेंट, कैसे आप पेमेंट करने चाहते हो, आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ICICI बैंक, किसी भी ऐप के थ्रू भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मेरे को डेबिट कार्ड से अभी पेमेंट करना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड के डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देना है, डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड के एक्सपायर डेट, CVV नंबर, ATM कार्ड के बैक साइड में आपके 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, आपको डालना है। यहाँ पे फुल नाम डालना है। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। मैंने सारे कोई डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमारे पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा आपको वेट करना है, अलाउ कर देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे OTP आ गया, हमारे पेमेंट कॉन्फर्म हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। IRCTC के ID आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने IRCTC के पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इस पर डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट में क्लिक करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड कुछ भी गलत लग रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। रीसेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपके यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट भी आप कर सकते हो। सारे कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे टिकट सक्सेसफुल हो गया, PNR नंबर भी आ गया, डेट, ट्रेन के नंबर, यहाँ पर सारे कुछ आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी को भी भेजने चाहते हो भेज भी सकते हो। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट भी नहीं लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रिंट लेने चाहते हो वो भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, ये जो QR कोड है इसको भी स्कैन करके आपको रख लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में भी जा सकते हो। किसी को शेयर करने चाहते हो, किसी को भेजने चाहते हो, व्हाट्सअप के थ्रू आप यहाँ से भी भेज सकते हो, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद अगर आप डाउनलोड करने चाहते हो टिकट को, आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड दिखाई दे रहा है, डाउनलोड पे एक बार क्लिक कर देना है। आपके टिकट यहाँ पे डाउनलोड होकर तैयार है। टिकट कंफर्म होने के बाद आपने जो इंश्योरेंस के पैसे 49 पैसे दिया था, इसका इंश्योरेंस पैसे है 10 लाख के। आपको क्या करना है, इंश्योरेंस फिल करने के लिए इस वाले वीडियो जैसे ख़त्म होगा आपको उस वाले वीडियो मिल जाएगा, उस वाले वीडियो को देख के अब अपने इंश्योरेंस फिल कर लीजिएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी। जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके भाई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।